ऐसी होती है 300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट वाली तोड़ू कार्रवाई। खान कंपाउंड में फिरोज चौधरी की अवैध इमारत की चुम्मी लेकर लौटी दीवा प्रभाग की अतिक्रमण टीम। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। थाने मनपा की विभिन्न प्रभाग समितियां और सभी प्रभाग समितियों में होने वाले अवैध निर्माण, इन अवैध निर्माणों को आशीर्वाद देने वाला एक बहुत बड़ा गिरोह, अधिकारी कर्मचारी और निजी लोगों द्वारा मिला करके बनाया हुआ एक गिरोह, ये 300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट भाव लेता है, ऐसा खुलेआम आरोप लगाया जाता है। तो ये थाने मनपा प्रशासन, उसकी प्रभाग समितियां, उनके तोड़ू दस्ते, अतिक्रमण की टीमें, हर वार्ड काउंसिल या प्रभाग समिति में जो टीमें दी गई है, वो अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से तोड़ू कार्रवाई करती है अवैध इमारतों पर, अवैध निर्माणों पर। तो आइए बानगी दिखाते आपको, ये 1 सितंबर के वीडियोज है। दिन के समय में कौसा शील रोड स्थित दोस्ती कॉम्प्लेक्स के पीछे खान कंपाउंड है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अवैध निर्माण करने वाला जीपी बिल्डर है फिरोज चौधरी। कितने उसके अवैध निर्माण चल रहे हैं वो हम आपको में दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए किस तरीके से थाने मनपा दीवा प्रभाग की गाड़ियां आ रही है, जीप है, मजदूरों की गाड़ी है, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, सब जो है बराए नाम एक राउंड लगा रहे और राउंड लगा करके अपने कर्तव्य की पूर्ति करके जा रहे, फर्ज निभा करके जा रहे हैं। और कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, तो फिरोज चौधरी की ये बिल्डिंग हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर दीवा प्रभाग की प्रसाद पालांडे नाम के जो क्लर्क है अतिक्रमण टीम के, इस प्रसाद पालांडे के नेतृत्व में कैसा कार्रवाई के नाम पर फिरोज चौधरी की इस अवैध इमारत के पिलरों के सिर्फ चुम्मे लिए गए, चुम्मी ली गई है सिर्फ। देखिए कैसे थोड़ा थोड़ा सा जो है हथौड़ा लगा करके, जिसे चुम्मी ही कहना ठीक रहेगा, उसके अलावा दूसरा क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह की कार्रवाई की गई और ये टीम इस तरीके से वापस गई है। तो क्या वजह है, तो ये कहा जा रहा है कि 300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का ये पूरा खेल है। फिरोज चौधरी कई अवैध निर्माण अब तक कर चुका है और अभी भी कर रहा है। कितने अवैध निर्माण अभी फिलहाल चल रहे, ये एक इमारत, उसके सामने की इमारत, ऐसे अन्य कई बिल्डर है, एक आसिफ है, अल्तमश है, ऐसे कई बिल्डर्स है यहाँ पर जो धड़ल्ले से ये अवैध निर्माण कर रहे हैं। और 300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट वाली अपनी नीति के तहत थाने मनपा प्रशासन, दीवा प्रभाग कार्यालय, मुख्यालय, अतिक्रमण निष्कासन के अधिकारी सभी इस 300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट वाली नीति में शायद शामिल है, इसीलिए तोड़ू कार्रवाई के नाम पर इस तरह की चुम्मी लेने वाली कार्रवाई थाने मनपा द्वारा की जा रही है।
Thank you.